अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जो पुराने हैं उनको वेलकम बैक और जो नए हैं उनको वेलकम। तो क्योंकि मेरे अपने भी एग्जाम्स चल रहे हैं तो आई थॉट कि मुझे पर्टिकुलरली एग्जाम्स और पढ़ाई के बारे में कुछ बोलना चाहिए। सही है, तो पहले तो मैं ये बताता हूँ पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है ज़िंदगी में। देखो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वगैरह वगैरह, बट मैं कभी एजुकेशन के बारे में नहीं कहता। एजुकेशन क्या होता है? नॉलेज हासिल करना। आस्क योरसेल्फ, तुम में से कितने लोग हैं जो स्कूल नॉलेज गेन करने के लिए जाते हैं? वो थ्री इडियट्स का डायलॉग है ना, कि वो बोलता है क्या कहते हैं आमिर खान के, कितनों को लगा कि आज मजा आएगा। तो तुम में से कितने लोग होते हैं जिनको लगता है कि अभी नया पीरियड शुरू होगा, कोई नई चीज सीखने को मिलेगी और मजा आएगा? आर्ंट यू पीपल के आज जो चैप्टर पढ़ाएंगी मिस, उसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंड उसके नंबर इतने होंगे, पास पेपर्स में ही घुसे रहते हैं बस सब। किसी को नॉलेज हासिल हो, नॉलेज मिलने से, कुछ नया लर्न करने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो भाई ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूँ दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर तो तुम नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। नंबर लाने के लिए पढ़ क्यों रहे हो? आज मेरी बहस हुई एक दोस्त थे, ही वॉज लाइक कि नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बोला उससे नंबर ला के क्या करोगे? उसने बोला अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। मैंने बोला अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो क्या करोगे? तो उसने बोला अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। मैंने कहा अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा फिर क्या करोगे? बोलता है कि अच्छी जॉब मिलेगी। तो मैंने कहा कौन सी ऐसी जॉब है जिससे ज्यादा लोग नहीं कमाते, उससे कम पढ़े लिखे लोग उससे ज्यादा कमा रहे होते हैं? पैसा कमाने के लिए ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो समझदार होता है ना उसको पता है कि दुनिया में हजारों तरीके हैं पैसे कमाने के और बहुत आसान तरीके हैं। बहुत सारे ऐसे जिनके छोटे छोटे दुकान है वो सीए क्वालिफाइड से बहुत ज्यादा कमाते हैं। कमाने की अगर तुम बात करते हो तो उसके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता। नंबर लाने का कोई फायदा ही नहीं है जिंदगी में। ये मैं बात रियल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी कंडीशनिंग की जाती है बचपन से। जब हम बड़े होते हैं तो बचपन से हमें बोला जाता है भाई पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर नहीं लाओगे तो जिंदगी में फेल हो जाओगे, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्योंकि आपका माइंडसेट ही बचपन से ये बनाया जाता है कि भाई जो पढ़ लिख नहीं सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जब आप उस लेवल पर आ जाते हो फिर आपको लगता है कि नहीं अगर बिजनेस करूंगा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, कुछ भी नहीं होगा, मैं जिंदगी में कुछ कर भी नहीं सकता, सिंगिंग में सब फेल हो जाते हैं, सिंगर रोल भटक रहे होते हैं, एक्टिंग में कोई चांस नहीं मिलता और सब हर जगह सिफारिश चलती है, ये सब बातें हमें सिखाई जाती हैं। ऐसा कुछ होता होगा, कम होता है लेकिन इतना नहीं होता। सही है, तो आप कहीं भी जाओगे, एनीथिंग दैट यू लव एंड यू डू इट, उसमें से आपको पैसे आने ही आने हैं। सही है, और ज्यादा पैसे आने से खुशी नहीं आती। फर्स्टली आप अगर, मैंने पहले भी बोला था, आप अगर सबसे ज्यादा खुश हो तो वो अभी है। लोगों को क्या लगता है गाड़ी में बैठने से खुशी आती है? भाई गाड़ी में बैठने से खुशी नहीं आती। हाँ यू कैन से दैट बस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे बट गाड़ी में बैठने से खुशी नहीं मिलेगी। सब बस लगे हुए भाई मेरे पास इससे ज्यादा हो ताकि मैं उसको दिखा के और जलाऊं, फिर वो कोई और नई चीज लाएगा आपको जलाने के लिए, फिर क्या करोगे? सो ये सब करना छोड़ दो। सही है, और पढ़ाई करो अपने लेवल पे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है वो ना सिलेक्ट किया करो। और जिंदगी में पैसे ही अगर आपने कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए भाई डॉक्टर इंजीनियर और क्या कहते हैं ये सब बनने, सीए बनने की जरूरत नहीं है। पैसे कमाने की दुनिया में हजारों तरीके पड़े हैं। सही है, और ये वो वहीं से मैं बता रहा हूँ थ्री इडियट्स का डायलॉग है कि गधों की रेस में जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता, गधों की रेस से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट होता है। आपको बताया गया कि जिंदगी में आपने बस पढ़ाई 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 भी कोई नहीं बोलते। अभी पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा नंबर लाए, ये क्या बात है कि मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, उनका नाम रोशन होगा नंबर लाने से? दुनिया में और सारे काम खत्म हो गए, क्या कहते हैं पेरेंट्स को अब इस बात पे खुशी होगी कि बच्चे के नंबर कितने आते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यार। बच्चे को उसमें से कुछ समझ में आ नहीं रहा, कोई बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है नहीं, बच्चे ने कुछ याद रखना नहीं है उसमें से, आपको बस वो पता है कि एग्जाम में उसके नंबर कितने आए, आपको इससे खुशी हो रही है। ये तो एक बिल्कुल ही गलत मेंटालिटी है। पता है माँ बाप, इवन बच्चा जो है ना, फिर क्या कहते हैं आपसे इतना वो कनेक्टेड रह नहीं पाता, फिर आप उसके साथ ऐसी बातें करते हो। माँ बाप के प्रेशर की वजह से ही ये सब होता है। बच्चों के जो लो स्कोरिंग के बहुत सारे रीजन है, सही है, उनमें बड़े बड़े रीजन, मेन रीजन जो है ना वो यही है, जो प्रेशर होता है पेरेंट्स की तरफ से, दूसरा जो उनकी क्या कहते हैं सही उनकी अगर वो डाइट ना हो तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, इफ दे आर नॉट टेकिंग द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप उसका बहुत फर्क पड़ता है, सिर्फ पढ़ाई का नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है कि मैं बहुत ज्यादा किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर गया था और उसमें फिर भी मेरे नंबर कम आए। सही है, तो पढ़ाई अगर आपको करनी है तो काम रहो,
रिलैक्स करो, चिल रहो, आराम से हो जाएगा सब। और समझने के लिए करो, नॉलेज के लिए करो, नंबर भी आएंगे और लाइफ भी आगे सही रहेगी। मैं बता रहा हूँ, कोई भी क्या कहते हैं तुम्हें हाईएस्ट लाने से या टॉप करने से सिर्फ इसलिए कि बस नंबर आए, उसके बाद मुझे कोई मजा आया, टाइम मेरा भले। जिंदगी में तुम अपने शुरू के क्या कहते हैं 20 से 25 साल तुम लोग बर्बाद कर रहे हो सिर्फ इस बात में कि मेरे नंबर ज्यादा आए। तुम्हें लगता है कि बाद में हमें जॉब वॉब मिल जाएगी, फिर आराम से एंजॉय करेंगे, बाद में इससे ज्यादा काम होने वाला है। यही तुम्हारा एंजॉय करने का टाइम था, जो अलबत्ता अगर तुम अभी मेरी एज में आ गए हो और तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, तुम बर्बाद कर चुके हो। इसलिए जल्दी समझ जाओ, वरना इट विल बी टू लेट। हाँ, मैंने शुरू किया है, मैं बोलता रहूंगा, सो इट्स गोना बी अबाउट योर बेनिफिट। दिस इज ज़ोएब नारेजो साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्रूली लॉस्ट। बहुत सारी वीडियोस आएंगी, अब ऐसा नहीं है कि मैं रुकने नहीं वाला। आई एम हेयर टू टेल यू और मैं बताऊंगा एंड तक। ये मेरा फर्स्ट बनता है कि मैं समझाऊं लोगों को। तुम अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना, आप लोग क्या कहते हैं, तुम अब आप बोल रहा हूं मैं तो, एजुकेशन सिस्टम को इतना बोला जाता है कि अच्छा है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मैं पूछता हूं, क्या फ़ायदा हो रहा है इस एजुकेशन सिस्टम का? रेपिस्ट बढ़ रहे हैं, टेररिस्ट बढ़ रहे हैं, कितने मर्डर्स की तादाद में इतनी बढ़ गए, इतना किडनैपिंग्स बढ़ रही हैं, क्या सिखा रहे हो आप? और पढ़े लिखे लोग ये काम करते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि अनपढ़ लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं। व्हाट इज योर एजुकेशन ब्रिंगिंग? एजुकेशन से क्या हम यही चेंज ला रहे हैं? क्या एजुकेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी में जो ठीक काम हो रहे हैं वो बढ़े? आई डोंट अंडरस्टैंड यार, सॉरी अगर मैं थोड़ा वो हो गया हूँ, हार्श हो गया हूँ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्रूली लॉस्ट।